नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस व फायरमैन की जो वैकेंसी आई थी उसे रद्द कर दिया गया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिपाही व फायरमैन बहाली की परीक्षा रद्द। परीक्षा के साथ साथ जो वैकेंसी थी उसे ही रद्द कर दिया गया। सिर्फ यहाँ पर परीक्षा ही नहीं, यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी 02/2018 विज्ञापन संख्या, उसे ही रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पटना ब्यूरो द्वारा हिंदुस्तान में दिए छापा गया है न्यूज कि राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिपाही और फायरमैन के लिए जारी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इससे 25 नवंबर और 2 दिसंबर को होने वाली लिखित परीक्षा अब नहीं होगी, नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जाता है कि मापदंडों में बदलाव के बाद दोबारा बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो सब कुछ को निरस्त कर दिया गया है। बाकी इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन फिर जारी किया जाएगा। इसकी जो बहाली प्रक्रिया है वह फिर से निकाली जाएंगी। इससे फायदा किसे होगा? फायदा उन लोगों का होगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था किसी कारणवश, या जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, या फिर जिनके एज उस समय 18 नहीं हुए थे, तो वो अब इसे फिर से अप्लाई कर पाएंगे। जब भी ये फॉर्म निकले दोबारा तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये ऐसा होने का कुछ कारण ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं KS द्विवेदी जो कि DGP बिहार के हैं, उन्होंने इस तरह से एक टिप्पणी की है कि बहाली के नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। बदलाव के बाद दोबारा बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती को भेजी जाएगी। इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। जहाँ तक हमें लगता है इसमें बदलाव क्या क्या किया जा सकता है, बदलाव इसमें दो तीन चीज़ें जिसमें बदलाव किया जा सकता है। पहला ये है कि एग्जाम में जो अभी सिलेबस आपने देखा कि 50 क्वेश्चन और 25+25, तो इनमें ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चंस अधिक छापने पड़ेंगे, क्योंकि कौन विद्यार्थी कौन से लैंग्वेज यानी कि कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ये कहना मुश्किल था। तो बोर्ड ने सोचा कि यदि कोई विद्यार्थी कोई कैंडिडेट यदि हिंदी लेते हैं फिर भी उसके लिए सभी सब्जेक्ट को छापने होंगे, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सभी सब्जेक्ट और सभी जितने भी क्वेश्चन वो छापने पड़ेंगे। इससे खर्च बढ़ जाते बोर्ड के। इसलिए हमें लगता है जहाँ तक कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन एग्जाम इसमें लिए जा सकते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहे उसे चुन सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑनलाइन में, तो उसे ज़्यादा पेपर छापने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कम खर्चे में वो निकल सकते हैं। दूसरी इसमें बात ये भी हो सकती है कि फिजिकल में जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है शायद, और इसमें सीट जो भी है उसे बढ़ाया जा सकता है इसमें, और इसमें कुछ ना कुछ नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये भर्ती प्रक्रिया फिर से जारी की जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ये बात सामने आपको दिख रहे हैं कि पटना पुलिस लाइन में बवाल बना कारण, इसी के कारण इसे शायद निरस्त किया गया है। बाकी जो भी हो इस पे नेट नोटिफिकेशन जारी की जाएंगे जल्द ही। इसमें लगभग 10,78,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें काफी लोगों के फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो गए थे, पर जो भी उसके लिए फिर से दोबारा एक और सूचना जारी किए जाएंगे। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनका जो फॉर्म है वो पहले से सबमिट रहेगा। यदि जब भी ये वैकेंसी दोबारा आएगी तो उस समय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उस समय आपके फॉर्म पहले से ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी बाकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे तो वो भी फिर से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए एक अच्छी बात है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, पर जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए हैं, उनके फॉर्म भी सही सलामत है। जब भी ये वैकेंसी दोबारा आएगी तो उस समय आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या क्या सुधार हो सकते हैं, आगे क्या क्या किया जा सकता है। ये मेरे ओपिनियन है, बाकी आगे बोर्ड की मर्जी, देखते हैं इसमें क्या नया बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।